महात्मा गांधी मार्ग स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन कांग्रेसी जनों ने हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू के साथ कांग्रेसियों ने केक काटकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी जी का 53वां जन्मदिन हम शहर कांग्रेस कार्यालय आगरा पे मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत और जिस प्रकार से राहुल जी ने एक संदेश दिया कि नफरत छोड़ो, मोहब्बत का पैगाम देते हुए लोगों को आपस में प्रेम भाईचारा का संदेश दिया, तो उसका परिणाम आप देखने लगे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होके आई, इससे पूर्व हिमाचल में हम जीते, तो लोगों ने समझ लिया है कि आज आपसी प्यार भाईचारा के द्वारा ही देश का कल्याण हो सकता है। राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर हम सभी कांग्रेस जनों ने ये संकल्प लिया है कि इस देश में जो वर्तमान में नफरत का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से हिमाचल के कांग्रेस जनों ने, हिमाचल की जनता ने वहाँ पर नफरत की दुकान बंद कर जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी तरीके से जो कर्नाटक की जनता ने, कर्नाटक के कांग्रेस जनों ने जो संदेश दिया है, राहुल जी का 53वां जन्मदिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, आगरा में शहर कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश के अंदर जो नफरत फैलाई गई थी, उसको नफरत को समाप्त करने के लिए जो कार्य किए, उसे कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया, कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ आई। अब आने अग्रिम चुनावों के अंदर जो विधानसभा के होने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का परचम लहराएगा। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मैसेज दिया है वो बहुत अच्छा है, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज उनके जन्मदिवस पर हम कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों पे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी का जन्मदिन हमने बहुत सौहार्द और सादगीपूर्वक मनाया, और समस्त कांग्रेसजनों ने उनके जन्मदिन पर संकल्प लिया कि 2024 में ये आताताई भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक कांग्रेस की सरकार लाएंगे। राहुल गांधी जी के 53वें जन्मदिन पर पूरे आगरा शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको 2024 में आपको देखने को मिलेगा, और हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने आऊँगे।